हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपका जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है लीवरेज या मार्जिन क्या होता है, साथ साथ में इसको जैरोधा में कैसे यूज़ किया जाता है। दोस्तों, अगर आपने आज तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ आपकी आती रहती हैं और आपको सब्सक्राइब करने पर नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे लीवरेज या मार्जिन क्या होता है। देखिए, मान लेते हैं ये कैडिला हेल्थ केयर का एक शेयर है जिसका प्राइस है 364 रुपीज़। तो इसको ख़रीदने के लिए अगर मैं इसको ख़रीदना चाहता हूँ तो मुझे 364 रुपीज़ अपने अकाउंट में चाहिए। अभी आप देख सकते हैं, हमारे जब हम फंड्स में आते हैं तो हमारे अकाउंट बैलेंस है 290 रुपीज़, तो आप देख पाएंगे काफ़ी कम है। तो अभी मैं इस शेयर को नहीं ख़रीद सकता। अब मैं क्या करूँ जो मैं शेयर को ख़रीद पाऊँ? तो दोस्तों, इसके लिए होता है आपका लीवरेज। अब देखिए, लीवरेज क्या होता है समझिएगा थोड़ा सा। मेरे अकाउंट में अभी जो आपने फंड्स देखे वो 290 रुपये हैं। अगर मैं लीवरेज का यूज़ करता हूँ तो यही फंड्स मेरे करीबन 3,000 या 3,500 हो जाएंगे। इसका मतलब अगर आपके अकाउंट बैलेंस 10,000 रुपीज़ है और आप उस पर लीवरेज ले लेते हैं तो आपका वही 10,000 रुपीज़ इक्विवेलेंट हो जाएगा 1.5 लाख के। साथ साथ ध्यान रखिएगा दोस्तों, लीवरेज जो मिलती है केवल और केवल MIS ऑर्डर में मिलती है, मतलब कि आपको इंट्राडे पोजीशंस के लिए ही लीवरेज मिलती है। तो अभी देखिए, 290 रुपये मेरे जो हैं इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3,500। और 3,500 से तो मैं काफ़ी सारे शेयर खरीद सकता हूँ इसके, कैडिला हेल्थ केयर के। तो ये सब हुआ लीवरेज की वजह से। अब दोस्तों, सबसे पहला काम क्या होता है लीवरेज यूज़ करने से पहले, आप जिस भी स्टॉक में डील करना चाहते हैं पहले ये देख लीजिए उस पर आपको लीवरेज कितनी मिल रही है। हर स्टॉक के लिए अलग अलग लीवरेज होती है, तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों? आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा जीरोधा लीवरेज टुडे। तो इस पर हम देखेंगे, सबसे पहला जो आपका लिंक आएगा आपको क्लिक करना होगा, और जिस भी शेयर या स्टॉक में आप ट्रेड करना चाहते हैं जस्ट उसको आपको यहाँ पे नीचे सर्च कर लेना है। तो अभी है हमारा कैडिला, ये लीजिए, ये नीचे आ जाएगा अपने आप, कैडिला इक्विटी आ गया है। ये देखिए, MIS में 10 गुना इस पर मुझे लीवरेज मिल रही है, मतलब कि जो मेरा 290 का अकाउंट बैलेंस है वो 2900 रुपये हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आप कितने शेयर खरीद सकते हैं आप ये भी चेक कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए कैलकुलेट पे क्लिक करना होगा। कैलकुलेट पर आप सबसे ऊपर कैश अवेलेबल में डालेंगे अपना अकाउंट बैलेंस, तो 290 डाल देते हैं हम अपना। इसके बाद आप स्टॉक प्राइस डालेंगे, तो स्टॉक प्राइस हम डाल देते हैं अराउंड, डाल दीजिएगा आप 365 डाल दिया हमने, गो कर दीजिएगा। तो आप देख पाएंगे, मैं अगर इंट्राडे ट्रेड करता हूँ तो मैं इसके 7 शेयर बड़ी आसानी से खरीद पाऊँगा। अभी देखा आपने कितना फ़ायदा हो गया मुझे। अगर मैं लीवरेज यूज़ ना करूँ तो मैं इसका एक भी शेयर नहीं खरीद सकता, लेकिन लीवरेज लगाने के बाद में मैं इसके 7 शेयर बड़ी आसानी से खरीद पाऊँगा। चलिए, तो अब इसको खरीद के देखते हैं। हम ऐप में आते हैं वापस, हम क्लिक करेंगे बाय पे, हम क्लिक करेंगे बाय पे। क्लिक करने के बाद आपको पता है क्वांटिटी कितनी है? 7। अभी पहले देख लीजिए एक बार आप, मैं दिखा देता हूँ अभी भी हमारा अकाउंट बैलेंस कितना है फंड्स में, 290 रुपीज़ ही है। तो अब आप पैक आएंगे, ये लीजिए, बाय पे हम लोग क्लिक करेंगे। बाय पे क्लिक करने के बाद हम डाल देते हैं आपका 7 क्वांटिटी। प्राइस जो चल रहा है इसको हम कर देते हैं मार्केट, और आप देख पाएंगे दोस्तों ऊपर प्रोडक्ट CNC और MIS, तो आपको हमेशा लीवरेज के लिए MIS ही यूज़ करना होता है। तो ये लीजिए, मार्केट हो गया हमारा, रेगुलर हो गया, वैलिडिटी सारी चीज़ें हो गई। तो हम बाय पे क्लिक करेंगे, और ये देखिए दोस्तों, हमारा बड़ी आसानी से हमने क्या कर लिए हैं, कैडिला हेल्थ केयर के 7 शेयर खरीद लिए हैं। इसको आप अपने अकाउंट में आके चेक कर सकते हैं, तो आप देख पाएंगे क्वांटिटी 7, MIS हमारे अकाउंट में आ चुकी है। तो दोस्तों, देखिए कितनी आसानी से हमने जो हमारे अकाउंट बैलेंस केवल और केवल 290 रुपीज़ था उससे हमने इतने सारे शेयर खरीद लिए, मतलब कि उसको हमने 10 गुना बना दिया। तो दोस्तों, लीवरेज का यूज़ करके आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखें इस पे लॉस भी आपको उसी तरह से होता है। मान लेते हैं अभी ये 364 आपका प्राइस है, और ये जो प्राइस है आपका 20 रुपीज़ नीचे गिर जाता है, तो मुझे नेट लॉस कितने का हो जाएगा? 20 × 7 = 140 का। इट मीन्स आधी जो मेरी वैल्यू थी अकाउंट की वो टोटली इरोड हो जाएगी। और सिमिलर केस होगा आपका किसके साथ में? प्रॉफिट के साथ में भी सिमिलर ही आपका केस होगा। तो इसलिए बोला जाता है लीवरेज को बहुत संभाल के यूज़ करना चाहिए। जब आप किसी ट्रेड में पूरा कॉन्फिडेंट है तभी लीवरेज को यूज़ करेंगे।
तो दोस्तों लीवरेज यूज़ करते टाइम आपको जो ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जितने भी आप लीवरेज के ट्रेड लेते हैं ये MIS होते हैं, तो इनको आज के आज स्क्वायर ऑफ करना ना भूलें। अगर आप आज के आज स्क्वायर ऑफ इनको नहीं करते तो आपको जेरोदा को पेनल्टी भी देनी पड़ेगी RMS स्क्वायर ऑफ की। और साथ साथ में दोस्तों एक और चीज़ आपको देखते रहना है, आप जब अपने अकाउंट सेक्शन पे आएंगे, यहाँ पे फंड्स में आप जाएंगे, ये जो मार्जिन अवेलेबल है ये आपका माइनस में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और अगर ज़्यादा माइनस में आपका ये चला जाता है तो इसकी वजह से आपका ये जो ट्रेड है ये ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा और उसके बदले भी जेरोदा आपसे कुछ चार्ज लेगा। तो इसलिए आपको याद रखना है, जब भी लीवरेज लें तो लीवरेज लेती बार आपका जो मार्जिन अवेलेबल है ये ट्राई करें कि जीरो के नीचे ना जाए। आप इसको रिफ्रेश करके देख सकते हैं बार बार, ये जीरो कब जाता है, जब आपको इसमें लॉस ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी।